खरगोन विधायक गजेंद्र पटेल इन दिनों अपने संसदीय क्षेत्र में किसानों के दर्द पर मलहम लगाते हुए नजर आ रहे हैं। लगातार हुई भारी बारिश के चलते जिले के किसान खासे प्रभावित हुए हैं, लिहाजा सांसद जी ने भी मैदान संभाल लिया है। देखें खरगोन से एमपी न्यूज की ये खास रिपोर्ट। खेतों में हुए किसानों के बड़े नुकसान का दर्द समझते हुए ये हैं खरगोन से बीजेपी सांसद गजेंद्र पटेल। इन दिनों सांसद जी फसलों के नष्ट होने की सूचना मिलते ही वो मौके पर पहुंच रहे हैं और किसानों को राहत दिलाने के लिए मैदान संभाल रहे हैं। फसल नुकसानी का मैदानी सर्वे करने के लिए सांसद पटेल कृषि विभाग के अफसरों के साथ कसरावत पहुंचे और मौके पर किसानों को राहत दिलाने का भरोसा दिलाया। देखो, सबसे पहले तो स्पष्ट हो जाए कि मध्य प्रदेश में किसान के बेटे की सरकार है और शिवराज जी इस बारे में पूरे चिंतित हैं। उन्होंने हम सभी जनप्रतिनिधियों को निर्देश भी कराया है कि अपने अपने क्षेत्र में जाके किसानों की फसलों का मुआयना करें, संबंधित अधिकारियों को ले जाएं और इसके बारे में पूरा सर्वे हमको कराना है। वो सर्वे दल भी कल गठित हो जाएगा और ये विश्वास व्यक्त करें कि एक एक किसान जिसका नुकसान हुआ है उसका सर्वे भी कराएंगे और मापदंडों के अनुसार किसान को क्या लाभ हो सकता है ये सरकार उन्हें बैठकर हम लोग तय भी करेंगे और उनको ज़्यादा से ज़्यादा जो फायदा मिल सकता है, क्योंकि सोयाबीन का फसल है, मिर्च की फसल है और सोयाबीन की भी जानकारी आई है। ये तीनों फसलें आज हम देखने वाले हैं और इसलिए मेरे साथ संबंधित आपके कृषि के अधिकारी, उद्यानिकी के अधिकारी, हमारे राजस्व के अधिकारी सभी लोग साथ में उनको दिखा भी रहे हैं और जो चीज़ें यहाँ पर ध्यान में आ रही है वो किसान की पीड़ा भी है, क्योंकि अभी किसान की दो दो महीने की फसलें हो गई और एक एक किसान का 30-30, 40-40 हज़ार रुपये खर्च भी हो गया है। तो इसलिए एक बार एक किसान की फसल जाती है तो 2 साल पीछे हो जाता है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा जो लाभ हो सकता है फसलें देखकर सर्वे भी कराएंगे और निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश की सरकार उस पर निर्णय भी लेगी और किसान को फायदा मिलेगा। आपको बता दें कि जिले में मक्का और सोयाबीन की फसलों पर भारी बारिश का प्रतिकूल प्रभाव हुआ है, इसी के चलते सर्वे कार्य शुरू कर दिया गया है। सांसद गजेंद्र पटेल भी किसानों की समस्याओं को लेकर सक्रिय है और सर्वे के बाद राहत पहुँचाने के लिए मैदान में खुद जुट गए हैं। जैसे मुझे खबर लगी कि फसलें में बीमारियां पैदा हो गई है और हमारे किसान भाइयों के फ़ोन आने लग गए, तत्काल हमने प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री जी से बात करी। उन्होंने कहा कि अपने क्षेत्र का आप सर्वे करो पर किसान का नुकसान नहीं होने देंगे, सरकार उसके लिए प्रतिबद्ध है। और इसलिए मैं आज सुबह से मेरी लोकसभा के कसरावद विधानसभा में मेरे साथ में हमारे कृषि विभाग के अधिकारी हैं, राजस्व के अधिकारी हैं, पटवारी हैं, हमारे पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष राजेंद्र भाई और पार्टी के भी सभी कार्यकर्ता, इसलिए हमने कुछ किसानों के खेत में फसलें देखने के लिए अधिकारियों को लेकर हम साथ में आए हैं। किस प्रकार से सोयाबीन, मिर्ची और मक्की इसमें बीमारियां आई है और किस प्रकार से फसल मिलेगी या नहीं मिलेगी इसका पूरा अध्ययन हम कर रहे हैं। इस प्रकार से अभी हमारे कृषि अधिकारी ने बताया कि इसमें ये कीड़ा स्टिन फ्लाई जो खा जाता है पौधे को और ये पौधा सूख जाता है और पौधे की कोई भी अब लाभकारी फसल अब नहीं रही। कसरावद विधानसभा के ग्राम मलतार में सांसद पटेल ने खराब हुई फसलों का अधिकारियों के साथ निरीक्षण किया और मौके पर ही रिपोर्ट बनाकर सर्वे करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही किसान भाइयों को उचित मुआवजा दिलाने की बात भी सांसद जी ने कही। देखना लाजमी होगा कि किस तरह से सांसद जी किसानों के दर्द पर मलहम लगा पाते हैं। कसरावद से एमपी न्यूज के लिए रोशन सिंह की रिपोर्ट।